राजधानी जयपुर में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 45 से अधिक व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की सप्लाई सही तरीके से हो इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र से वैक्सीन की मांग भी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा लोगों से भी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की जा रही है ताकि राजस्थान से कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। राजस्थान में प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। हालांकि 1 मई से 18 प्लस के व्यक्ति को वैक्सीन लगने की सुविधा राजस्थान में चालू कर दी गई है, लेकिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। केंद्र से लगातार मांग की जा रही है कि प्रॉपर डोज वैक्सीन की प्रॉपर डोज जो है राजस्थान में भेजे, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार भेजे, तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में लगाम लग पाएगी। आप देख सकते हैं वैक्सीन लगाने वालों की लंबी कतार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री भी अपने स्तर पर प्रयास करने में लगे हुए हैं ताकि राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो सके। हालांकि लॉकडाउन भी लगा दिया गया है 24 मई तक, लेकिन स्थिति जिस तरह भयावह होती जा रही है, बीते 24 घंटे की अगर बात करें, 24 घंटे में राजस्थान में 18,000 से अधिक पॉजिटिव निकलकर सामने आए, और राजधानी जयपुर की अगर बात करें यहाँ 4500 से अधिक जो है कोरोना पॉजिटिव निकल के सामने है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील करने में लगे हैं ताकि अगर आम जनता जो है सरकार की गाइडलाइन की पालना करेगी तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा राजस्थान से हो सकेगा। कैमरा पर्सन की इसके साथ मैं प्रशांत, इंडिया न्यूज जयपुर।